throughout the country, ADC Shiksha survey was done. And today, definitely the population is increased of ADC Shiksha because of our studies show that it came to India more than 200 years back. So what was the situation? Why we could not do it? And a simple example is that when the malaria parasite was discovered, guys were testing the sample there. So we knew so much about malaria just because of a very simple diagnostic test. So much even before the First World War. VRDS and viral diagnostic capacities expanded. And that's why the scenario is increasing, but the now current scenario. Otherwise, this is a test about there in tropical areas. Now come to Zika. Advisory of ministry, we dropped down from stage 5 straight to step 2 because it was endemic. Otherwise, we were thinking that there would travel a lot if the cases is mainly cream and Congo hemorrhagic fever, jo hai, ye last year Rajasthan mein, Jodhpur mein, इससे कई केसेस पाए गए. उससे पहले सिरोही में भी आउटब्रेक हुआ है. तो ये अब तक जयपुर से राजस्थान से 7 केसेस रिपोर्टेड हैं, जिनकी उनमें से एक ही बचा और बाकी की डेथ हो गई थी. और उसके अलावा इन्होंने NIV पुणे ने जो है सीरो सर्वेलेंस किया था जानवरों में, तो उन्होंने देखा था कि 50% तक जानवरों में इसकी एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं. इसका मतलब कि ये जो वायरस है अपने राजस्थान में काफ़ी फैला हुआ है. और ये वायरस फैलता है जो जानवर होते हैं, कैमल है और कैटल है, उनमें एक टिक होता है, एक्सोडिक टिक, उससे उसकी वो जानवरों के ऊपर रहता है या उसके जानवर को बाइट करके, ह्यूमन को बाइट करके इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है. तो ह्यूमन को इन्फेक्शन जो है टिक की बाइट से भी हो सकता है और मैन टू मैन भी हो सकता है. सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि मैन टू मैन हो सकता है. तो उसमें जैसे अगर मरीज आता है अस्पताल में, उसको इन्फेक्शन है, सावधानी नहीं बरतेंगे तो डॉक्टर को, नर्सिंग स्टाफ को ये इन्फेक्शन हो सकता है. तो जो ये जोधपुर में केसेस हुए थे उसमें ऐसा ही हुआ था कि मरीज आया था और उससे फिर नर्सिंग स्टाफ को इन्फेक्शन हो गया था और उनकी फिर उस इन्फेक्शन से डेथ हो गई थी. जब तक बीमारी पकड़ में आती है वो एडवांस हो जाती है. तो इसलिए ये CME रखी गई है कि हम उसके लक्षणों को पहचान सकें, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है वो पहचान सकें. तो इस CME में हमने वेटनरी से डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, IDSP के डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिसिन के एक्सपर्ट, जिससे कि सभी को उसके लक्षण के बारे में बताया जा सके, उसकी रोकथाम कैसे करनी है, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है और टाइमली मैनेजमेंट कैसे करना है.